दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वापस आकर हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर किसी भी इंसान के कंधे में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है या घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो आपने उस एरिया पर, उस बॉडी के उस पार्ट पर लगानी है, जैसे कंधे में लगानी है, घुटनों में लगानी है, कमर पर लगानी है, उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही चीज़ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। दोस्तों, बहुत आम सा दर्द हो चुका है, लोग इतने परेशान हैं घुटनों के दर्द से। एक्चुअली मैं लाइव सेशन लेती हूँ 7 से 7:30 शाम को, और मोस्टली उसके अंदर एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर मेरे को देखने को मिलता है कि घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों से कट कट की आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ बहुत लंबे टाइम से है, पहले थोड़ा दर्द होता था, अब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल आती है। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान है जिसे सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल आ रही है, एज चाहे कितनी भी हो, आप बहुत भारी भरकम दवाइयां ले लेकर थक चुके हैं, तो आप इस ट्रीटमेंट को 100% आपने फॉलो जरूर करना है। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, उसके फॉलो करने के 5 दिन के बाद आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको कितना रिलीफ मिला है। दोस्तों, 5 दिन के अंदर ये अपना पूरा काम करेगा। एक चीज आपको बता दूं, ये ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल आपने कम से कम 1 महीना रोजाना करना है। दोस्तों, अब गर्मियां चल रही है तो इसके बेनिफिट आपको डबल मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको धूप मिल पाएगी, जो कि इस टाइम और इस ट्रीटमेंट को और यूजफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, इसे बनाना कैसे है। अगर कोई भी इंसान घुटनों के दर्द से बहुत परेशान है, घुटनों के अंदर जो गैप है वो खत्म हो चुका है, घुटने आपस में टकरा रहे हैं, उनके अंदर का कार्टिलेज, जिसे साइनोवियल फ्लूड कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में जिसे ग्रीस कहा जाता है, या जोड़ों का फ्लेक्सीबिलिटी कहा जाता है, जोड़ों की फ्लेक्सीबिलिटी खत्म हो चुकी है, आप इस चीज़ से बहुत परेशान है, आपकी हाथों की उंगलियाँ दर्द कर रही हैं, पैरों की उंगलियाँ दर्द कर रही हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपकी बॉडी के सारे छोटे छोटे जोड़ दर्द करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी के अंदर जॉइंट पेन की शुरुआत है। चाहे तो आपको जॉइंट पेन है, कमर दर्द है, पूरी टांग में दर्द जा रहा है, घुटनों में सीवियर पेन हो रहा है, तो प्लीज आप इस ट्रीटमेंट को जरूर फॉलो करिए। घर की सिर्फ एक चीज से आपने इसका इलाज करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए आपने सबसे पहले नींबू लेने हैं। दोस्तों, आपने हरे कलर के नींबू लेने हैं, यानी ग्रीन कलर के नींबू लेने हैं। इनके अंदर जो सिट्रिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी के दर्द को खींचने का काम करता है। तो हमने सबसे पहले यह नींबू के छिलके उतार लेने हैं। नींबू के छिलके उतारने के बाद जो बाकी नींबू बचा है आप उसे पी सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो पी लें, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है उन्होंने नहीं पीना। दोस्तों, इसके बाद आपने क्या करना है, इन छिलकों को आपने कोई भी कांच की बॉटल लेनी है, शीशी ले लीजिए, कोई भी मतलब जार ले लीजिए, कांच का होना चाहिए। इसके साथ हम ले रहे हैं दोस्तों ऑलिव ऑयल। अगर आपके घर में ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और किसी तेल का इस्तेमाल नहीं करना। अब हमने जो छिलके उतारे थे हरे नींबू के, वो इस जार के अंदर, इस शीशी के अंदर, इस बॉटल के अंदर आप डाल दीजिए। उसके बाद हमने दोस्तों क्या करना है, इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। इसके बाद हमने इस बॉटल को कम से कम 15 से 20 दिन के लिए अंधेरी जगह पर रखना है। एक्चुअली समझ लीजिए, जैसे किसी अचार को तैयार किया जाता है, आपको पता है अचार तैयार करने में क्या प्रोसेस होता है, उसको किसी अंधेरी जगह पर रखा जाता है। जब वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, बना दिया जाता है, तो उसको एक थोड़े दिनों के लिए, जैसे 10 से 15 दिनों के लिए अंधेरी जगह में रखा जाता है, ताकि वो अपना पूरा उसका असर जो है वो तैयार हो जाए। तो ऐसे ही हमने ये तेल तैयार करना है। इसके बाद अब जान लेते हैं, 15 दिन के बाद आपने इसे अप्लाई करना जब शुरू करना है, तो ये जो नींबू के छिलके होंगे ये हल्के हल्के गल जाएंगे, इनका कलर ग्रीन से थोड़ा सा येलो सा मतलब ढल जाएगा। इसके बाद आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है लंबा, उसको आपने इस तेल के अंदर डिप कर देना है। आप कटोरी में अलग से निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इस कपड़े को जहां भी आपके दर्द हो रहा है, कलाई में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, कोहनी में हो रहा है, या फिर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, वहां आपने बांध देना है, लगा लेना है। उसके बाद एक काम जरूर करना है जो बहुत फायदेमंद है। एक्चुअली इतना काम तो ये तेल नहीं करेगा जितना, अगर तेल लगाने के बाद अगर आप धूप में बैठते हैं सिर्फ 15 मिनट के लिए, दोस्त जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी जाएगा, हमने ये तेल लगा रखा है दोस्तों, ये तेल हमारी बॉडी के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर फ्लेक्सीबिलिटी को ला देगा। जो ग्रीस खत्म हो चुकी है, गैप घुटनों का खत्म हो चुका है, घुटने आपस में टकराते हैं, दर्द करते हैं, आवाज करते हैं, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों, बहुत आसान है इसका इलाज करना, मैंने आपको बता दिया इसे लगाना कैसे है। इस तरीके से लगा लीजिए, धूप के आगे बैठ जाइए और उसके बाद आप अंदर आ सकते हैं, पर ध्यान रखिए जस्ट आपने एसी या कूलर के आगे नहीं बैठना। दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक थी।
आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। और सिर्फ एक चीज आपने लेनी है, वो है नींबू, और दूसरी चीज आपने लेनी है ऑलिव ऑयल, या फिर आप तिल का तेल ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मैं शाम को 7 से 7:30 लाइव आती हूँ दिव्या शर्मा चैनल पर, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट भी आपके हर रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, मूल्यवान लगी, तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।